दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत के दूरसंचार उद्योग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल नई कंपनी VI यानी कि वोडाफोन आइडिया अगले 3 से 4 महीनों में अपने मोबाइल टैरिफ्स यानी कि कॉल और डेटा प्लान्सों में वृद्धि करने वाली है। परंतु विश्लेषकों के अनुसार वोडाफोन आइडिया के इस कदम से नई कंपनी VI का भाग्य नहीं बदलेगा, यानी कि VI के टैरिफ हाइक से कंपनी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा, ऐसा विश्लेषकों ने कहा है। वहीं अगले 12 महीनों में उद्योग व्यापी यानी कि भारत के पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में टैरिफ हाइक होने की उम्मीद है, यानी कि आने वाले 12 महीनों में वोडाफोन आइडिया के साथ साथ एयरटेल और रिलायंस जियो भी टैरिफ हाइक कर सकती है। जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप का मानना है कि जिस तरह से सितंबर तिमाही में जियो के ग्राहक संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिलायंस जियो आने वाले समय में टैरिफ हाइक न करे। अगर आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के टैरिफ हाइक के साथ जियो भी अपने मोबाइल सेवाओं के टैरिफ में वृद्धि नहीं करती है तो नई कंपनी VI के पुनरुद्धार की संभावना काफी कम हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर 2019 में भारत के तीनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा एक बड़ा टैरिफ हाइक हुआ था। इस टैरिफ हाइक के परिणाम स्वरूप भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के रेवेन्यू में 24 से 25% की वृद्धि देखी गई थी। वहीं VI यानी कि वोडाफोन आइडिया की रेवेन्यू में 3% की गिरावट आई थी। इन डेटा से उम्मीद ही लगाई जा रही है कि अगर आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया टैरिफ हाइक करती है तो इससे कंपनी की किस्मत नहीं बदलेगी, उल्टी VI को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वोडाफोन आइडिया के टैरिफ हाइक पर बोफा सिक्योरिटीज का मानना है कि वोडाफोन आइडिया को उपभोक्ता भावनाओं पर विचार करने की जरूरत है और बहुत अधिक डाउन ट्रेडिंग जोखिमों के बिना टैरिफ बढ़ोतरी को अवशोषित करने की उनकी क्षमता पर विचार करना होगा। बोफा सिक्योरिटीज के अनुसार वोडाफोन आइडिया को टैरिफ हाइक के बदले अपने नेटवर्क गुणवत्ता में सुधार पर विचार करने की जरूरत है, अन्यथा VI और अधिक ग्राहकों को खो सकता है। वहीं IIFL सिक्योरिटीज का मानना है कि वर्तमान समय में भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो की आर्थिक स्थिति वोडाफोन आइडिया के मुकाबले अच्छी है, इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा टैरिफ हाइक करने की जरूरत वोडाफोन आइडिया को ही है। IIFL सिक्योरिटीज का यह भी मानना है कि एजिया ड्यूज में मोरेटोरियम की बदौलत वोडाफोन आइडिया की स्थिति फिलहाल स्थिर है, परंतु आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया को फंड जुटाने में मुश्किल पैदा हो सकती है। पिछले हफ्ते वोडाफोन आइडिया के CEO और MD ने एक बयान में कहा था कि वोडाफोन आइडिया टैरिफ हाइक करने में कतराएगी नहीं, मार्केट में फ्लोर प्राइस काफी आवश्यक है, टैरिफ हाइक में वोडाफोन आइडिया फर्स्ट स्टेप लेने में कतराएगी नहीं। वोडाफोन आइडिया के CEO और MD रविंद्र टक्कर ने यह भी कहा कि वोडाफोन आइडिया के टैरिफ हाइक का अनुसरण अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय दूरसंचार उद्योग में मूल्य निर्धारण में तेजी से सुधार करने की जरूरत है। साथ ही साथ भारतीय एयरटेल के कार्यकारी अधिकारी गोपाल विट्ठल ने भी कहा था कि एयरटेल के लिए टैरिफ की कीमतों को बढ़ाने की जरूरत है, परंतु एयरटेल इसमें लीड नहीं लेगा। अगर अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स टैरिफ हाइक करते हैं तो एयरटेल भी इसमें पीछे नहीं हटेगा। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के बयान से ये तो साफ है कि टैरिफ हाइक करने में वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल पीछे नहीं हटेंगे, परंतु जियो इसका अनुसरण करेगा या नहीं इसकी कोई निश्चितता नहीं है। बहरहाल एनालिस्टों के अनुसार अगले 3 से 4 महीनों में वोडाफोन आइडिया एक बड़ा टैरिफ हाइक करने वाला है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।